हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं लाई थी बाज़ार से सब्जियाँ। ये मतलब 2 दिन की क्लिप है इसमें जो आज की वीडियो है। तो वो सब्जियाँ मैंने फ्रिज की टोकनी में रख दी हैं सारी की सारी, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल होती हैं ज़्यादातर। अगर फ्रिज से बाहर रखो तो एक दिन में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम पड़ रहा है इसलिए। तो यहाँ मैंने फ्रिज में रख दी है, और आलू और प्याज मैं टोकनी में डाल दूँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई थी थोड़ी चावलों की खिचड़ी, वही मैं बच्चों के लिए डाल रही थी प्लेट्स में और अपने लिए भी, क्योंकि शाम का टाइम था तो हल्का फुल्का ही खाना था सबको। तो इसलिए मैंने चावलों की खिचड़ी बना ली यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबका खाना पीना हो चुका था, खाना बच्चे खा चुके थे, मैं भी खा चुकी थी। तो अब धोंगी बर्तन, थोड़े से बर्तन हो गए थे क्योंकि हम सब ने खाना खाया था शाम को, खिचड़ी बनाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे तो वो धो देती हूँ अब जल्दी जल्दी। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्तन मेरे धुल चुके थे, सारे के सारे बर्तन यहाँ पे धुल गए, और ये थोड़े से चावल बच गए थे तो मैंने इसमें कटोरे में डोंगे में करके रख दिए। और यहाँ आलू प्याज रखे थे जो मैं मार्केट से लेके आई थी, वो अभी टोकनी में कर दूँगी। पर उससे पहले 2-3 बोटल्स रह गई हैं, वो धुल देती हूँ, क्योंकि पानी पी पी के बच्चे इधर उधर रख देते हैं तो फिर वो धुलनी पड़ती हैं, उसके बाद ही मैं पानी डालती हूँ इनमें। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगले दिन की क्लिप स्टार्ट हो जाएगी सुबह मॉर्निंग की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी मैं कल शाम को भुट्टे लेके आई थी, तो बच्चे सुबह सुबह इनको मतलब गैस जला के और इनको भूनने लग गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये भुट्टे वगैरह। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बच्चे ले गए थे भुट्टे वगैरह अपने भून के, उसके बाद मुझे बनानी थी यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तोरई काट ली थी। और तोरई काटने के बाद मैंने यहाँ मसाला भी काट लिया। तो आज मैं तोरई की सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊंगी, अच्छी वाली। तो यहाँ पे प्याज लहसुन मैंने काट लिया है, और उसको मैं पीस लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में, प्याज अदरक लहसुन वगैरह को पीस लूँगी। और यहाँ ऑयल गर्म हो गया था, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने जो मसाला पीसा था उसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, गर्म मसाला डाल के ये मसाला इसमें डाल दिया, और प्याज वगैरह सब एक ही बार में डाल दी यहाँ पे। तो मतलब ये सारा मसाला जब हमारा भुन जाएगा तब इसमें डालेंगे हम तोरई जो हमने काट के रखी है, छील के रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक मैं जो आलू प्याज रखे थे वो डाल देती हूँ टोकनी में, क्योंकि टोकनी में करके रख देती हूँ तो उसमें अच्छे तरह से बने रहते हैं, तो मतलब ख़राब भी होते हैं पन्नियों में ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं आलू प्याज वगैरह। तो यहाँ पे मैंने टोकनी में करके रख दिया, और यहाँ पे देखिए मसाला मेरा पक चुका है, और मसाला पकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी तोरई। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने तोरई डाल दी थी, और तोरई डालने के बाद मैं पानी डाल दूँगी, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतनी पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे तोरई पकती रहेंगी अपने आप, तो 8-10 मिनट में पक जाएंगी तोरई, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली बनानी थी गाढ़ी गाढ़ी, तो बन जाएंगी। उसके बाद मेरे घर रसोई का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई रसोई कर देती हूँ, आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ। तोरई बनने के बाद रोटी वगैरह गेड़ लूँगी मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आटा मेरा गूंद चुका है, आटा गूंदने के बाद मैं डाल लूँगी यहाँ पे रोटियाँ, थोड़ी सी रोटियाँ गेड़नी थी, और थोड़े रात के चावल वगैरह भी रखे हुए थे, कोई खाएगा तो ठीक है नहीं तो फेंक ही जाते हैं बाहर जाके। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ गेर लेती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है, तो फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ देखिए तोरे की सब्ज़ी पक चुकी है, कितनी अच्छी बनी है आप देख सकते हैं।